एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है। क्वाड में बाइडेन ने पीएम मोदी से कहा, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, ये भी कहा है अमेरिकी प्रेसिडेंट ने। स्थिरता लाने के लिए सहयोगियों के साथ काम करेंगे। कोरोना वैक्सीन के निर्माण के लिए आपसी सहयोग बढ़ाएंगे। भारत में कोरोना वैक्सीन का निर्माण होगा, क्वाड देश ने ये कहा है। तो क्वाड की इस बैठक के बाद एक तरफ जहां पर प्रधानमंत्री मोदी भी खुश नजर आ रहे हैं, जो बाइडेन भी इसे लेकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, तो आपको यह भी बता देते हैं कि क्वाड की इस बैठक में किसने क्या कहा है, यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात होगी। उन्होंने ये कहा कि दुनिया के लिए भारत का एजेंडा वैक्सीन और जलवायु परिवर्तन है। क्वाड देशों की भावना वसुधैव कुटुंबकम से मिलती है और साथ ही इंडो पैसिफिक को बढ़ावा देने के लिए मिलकर करेंगे काम। सभी के सभी क्वाड देश दोस्त देश। इसके साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि अमेरिका इस क्षेत्र में सहयोगियों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और हम सभी के लिए फ्री इंडो पैसिफिक एरिया महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वाड देश वैक्सीन निर्माण के लिए आपसी सहयोग बढ़ाएंगे ताकि कोरोना जैसी महामारी से निपटा जा सके। इसके साथ ही जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने भी कहा है कि क्वाड को लेकर बहुत इमोशनल हूं, हमारा जो कमिटमेंट है वो फ्री हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर है। शांति और स्थिरता हम चाहते हैं और चारों देशों का साथ इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जापान का रिएक्शन। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि इंडो पैसिफिक जो रीजन है वो दुनिया की तकदीर का फैसला करेगा। क्वाड की दोस्ती शांति स्थिरता और समृद्धि को बढ़ाएगी और इस रीजन के कई ऐसे देशों को साथ आकर काम करना होगा ताकि एक साथ ये क्वाड देश मिलकर बढ़ सके और बेहतरी के लिए काम कर सके। लेकिन क्वाड देशों की मीटिंग के बाद आखिर चीन में किस तरीके का डर पैदा हो रहा है, क्या उसकी वजह रही है, ये हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहला डर ये कि चीन के अस्तित्व को रोकने की अमेरिका की ये कोशिश है, ऐसा लगता है चीन को। दूसरा डर यह है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसके खिलाफ साजिश ना हो जाए, ये डर सताने लगा है चीन को। तीसरा डर यह है कि समंदर में चीन का वर्चस्व समाप्त होने का भय, यानी कि चीन के अंदर हिंद प्रशांत क्षेत्र के अंदर जो चालबाजी दिखाता है चीन, उसे लगता है वो उसका दबदबा खत्म हो जाएगा। चौथा डर यह है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन घिर जाएगा, यानी कि उसकी घेराबंदी हो जाएगी और इसी से चीन परेशान नजर आ रहा है और इसीलिए इस तरीके के बयान दे रहा है, रिएक्शन उसकी तरफ से आ रहा है। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।